हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप के बीच देखिए हम कोर्स वन यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप और कोर्स टू टेम कंटेम्प्रोरी इंडिया एजुकेशन का एक गेस्ट क्वेश्चन कर दिए हैं आप जाके प्ले लिस्ट में आप वीडियो देखिएगा दो तीन वीडियो के नीचे होगा ठीक है आज हम लोग कोर्स थ्री का ले आए हैं लर्निंग एंड टीचिंग का देखिए बहुत वी वी क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आपको प्ले में मिल जाएगा जाइएगा प्ले में वहाँ लर्निंग एंड टीचिंग या आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा आनंदराज लर्निंग एंड टीचिंग प्ले लिस्ट आपका एक बार में ही आ जाएगा कोई भी प्ले लिस्ट सब्जेक्ट का निकालना होगा तो आनंदराज बी एड लिखेगा और उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा लर्निंग एंड टीचिंग तो उसका प्ले प्ले लिस्ट लिख दीजिएगा तो आपका पूरा प्ले लिस्ट आ जाएगा समझ के तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देखिए यूनिट वन हम लोग को पाँच यूनिट पढ़ना है पेपर थ्री में भी जैसा पेपर वन और पेपर टू में जैसे पाँच पाँच यूनिट पढ़ना था इसमें भी हम लोग को पाँच पाँच यूनिट पढ़ना है देखिए आइए यूनिट वन स्टार्ट करते देखिए यूनिट वन में क्वेश्चन है आपका फिक्स है कि अधिकम से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा अधिगम आपको पढ़ लेना ही है समझे अधिगम का क्या अर्थ है उसकी परिभाषा क्या है ये आपको और उसकी क्या मतलब विशेषता है या प्रकार है ये आपको फिक्स से पूछेगा है तो अब की बार अधिगम या सीखने की परिभाषा दे इसके प्रकारों का वर्णन करें देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि डिफाइन लर्निंग एंड एक्सप्लेन टाइप मतलब इसके प्रकारों का वर्णन करें एकदम फिक्स है आपका आएगा इसका प्ले में वीडियो मिल जाएगा बहुत अच्छा लिखा हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि संज्ञानवादी या गेस्टलवादी या कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखिए जानते होंगे अधिगम का दो सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा पढ़ना है हम लोग को संज्ञानवादी सिद्धांत देखो व्यवहारवादी को हम लोग बिहेवरिस्ट कहते हैं और संज्ञानवादी को कॉग्नेटिक बोलते हैं समझ गए तो देखिए दो हज़ार में और बीस में दोनों में पूछ दिया है व्यवहारवादी समझे तो इस बार फिक्स है कि आपका संज्ञानवादी सिद्धांत आएगा और संज्ञानवादी में सबसे इंपॉर्टेंट है कोहलर का अंतर्दिष्टिक सिद्धांत जो चिमपैनजी पर किया हुआ था समझ गए चिंपांजी या चिंपाण जी को बोलते हैं तो देखिए क्वेश्चन यार ये रहेगा कि संज्ञानवादी या गस्टरवादी या कोहलर के सूर्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत के लिखे या देखिए ये क्वेश्चन को कैसे घुमाया हुआ सेम कोश्चन है सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन को कैसे घुमा गया देखिए लिखा हुआ है व्यवहारवादी के अलावा अधिगम से संबंधित किसी एक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कक्षा शिक्षण में इन उनके अनुप्रयोग में कम से कम दो उदाहरण प्रस्तुत कर दिए देखिए वही क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी के अलावा दो को सिद्धांत पढ़ना है व्यवहारवादी और संज्ञानवादी तो कह रहा है व्यवहारवादी को छोड़कर दूसरा जो सिद्धांत है यानी संज्ञानवादी है समझे तो उसका वर्णन करना है देखिए उन्नीस में पूछ दिया है आपका ए, इसका होंडाइट का पूज दिया है और बीस में स्किनर का पूज दिया है क्रिया क्रियाप्रशुद और वर्पर अनु अनुक्रिया सिद्धांत पूछ दिया है उन्नीस में इसीलिए इस बार एकदम फिक्स है आपका इक्कीस में आपका गेस्टवादी कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत आएगा ही आएगा समझ गए तो उसका इंग्लिश भी है इंग्लिश भी देख सकते हैं आपका ये दोनों सेम क्वेश्चन है आपका संगनवादी या गेस्टवादी का है या बेहोरवादी का अलावा कैसे वही क्वेश्चन है समझ इंग्लिश भी लिखा है आप इंग्लिश भी देख सकते हैं तो आपको यूनिट टू में एकदम दो क्वेश्चन दिमाग में एकदम रखना है एक अधिगम परिभाषा अर्थ और उसका प्रकार और दूसरा रखना है आपको क्या कि अधिगम का सिद्धांत तो व्यवहारवादी सिद्धांत दो साल से लगता पूछ रहा है इस बार नहीं आएगा इस बार आएगा संगनवादी सिद्धांत समझ गए आइए अब देखते हैं यूनिट टू में देखिए यूनिट टू में आपका अधिगम का हस्तांतरण और अभिप्रेरणा दोनों में से फिक्स है आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एकदम फिक्स है कि अधिगम का हस्तांतरण को परिभाषित करते हुए उसके शैक्षिक उपयोग बता मतलब शिक्षा में क्या इसका उपयोग है एम्प्लीकेशन देना है समझ गए तो इंग्लिश में भी इसका लिखा हुआ है कि डिफाइन ट्रांसफर ऑनलाइन इसका भी वीडियो आपको प्ले में मिल जाएगा समझे और इसका भी वीडियो आपको प्ले में मिल जाएगा एकदम ई क्वेश्चन का भी व्यवहारवादी के अलावा अधिगम से इसका वीडियो आपको प्ले में मिल जाएगा सर्च कीजिएगा लर्निंग एंड टीचिंग उसमें आपको मिल जाएगा इसका अधिगम का हस्तांतर का भी वीडियो मिल जाएगा जो वीडियो क्वेश्चन इसमें है जिसका वीडियो नहीं उसका हम कोशिश करेंगे डालने का समझ गए तो ये आपका हो गया अधिगम के हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये आपको फिक्स से पूछेगा इसमें से या अभिप्रेरणा में से इसमें दूसरा क्वेश्चन दिए हुए हैं देखिए विस्मृति पूछा हुआ है दो में तो पूछा हुआ तो पूछ सकता है समझे तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए इसका भी वीडियो प्ले में मिल जाएगा कि विस्मृति यानी फॉरगेटिंग जो भूलना या विस्मरण कहते हैं कि विस्मृति क्या है विस्मृति या विस्मरण के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है अब आइए इसमें क्वेश्चन हम दे दिए हैं कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा दे मतलब वही मतलब है मोटिवेशन कि अभिप्रेरणा या प्रेरणा से आप क्या समझते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है मतलब आप पढ़ाई करते हैं उसमें अभिप्रेरणा का क्या महत्व है समझ रहे हैं ना तो देखिए अभिप्रेरणा को सिंपल हम लैंग्वेज में समझा सकते हैं कि अभिण अभिप्रेरणा क्या करता है एक गति मतलब एक मोटी मतलब एक गति प्रदान करता है आपको उस चीज़ को आपके मतलब लक्ष्य को पहुंचाने में गति मतलब जल्दी पहुंचा देगा जैसे जिसे सिंपल समझिए कि मान लीजिए आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है तो आप पैदल जाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा और बस से जाइएगा तो थोड़ा देर में पहुँच जाएगा मतलब जल्दी पहुँच जाएगा तो जो बस है वही क्या है आपका अभिप्रेरणा का काम करेगा तो वही कर रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है समझे तो अभिप्रेरणा ये क्या करता है कि कोई चीज़ को जल्दी मतलब लक्ष्य को पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है गए अब आइए तो यूनिट टू में नाम याद रखिएगा अभिप्रेरणा और अधिगम अधिगम के हस्तांतरण में से दोनों में से फिक्स एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा अब आइए यूनिट थ्री यूनिट थ्री में एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है एकदम फिक्स रहेगा कि टीचिंग देखिए लर्निंग अब हो गया अब टीचिंग से यूनिट थ्री में टीचिंग पढ़ना है तो टीचिंग से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है रहेगा ही कि शिक्षण की अवधारणाओं को परिभाषित करें तथा इसकी विभिन्न अवस्थाओं को विस्तृत रूप से समझाए मतलब डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग क्या अवधारणा है एकदम फिक्स है आपका रहेगा ही रहेगा यूनिट थ्री में इसमें एक और क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रभावी शिक्षण से क्या आपका अभिप्राय है देखिए इसका भी वीडियो आपको प्ले में मिल जाएगा कि प्रभावी शिक्षण के आप कैसे शिक्षण कराइएगा कि शिक्षण क्या हो कि इफेक्टिव हो समझे मतलब आप अच्छा से पढ़ाइएगा तब ना शिक्षण इफेक्टिव होगा समझ गए सब टीचर तो पढ़ाता ही है लेकिन उसमें कुछ ही टीचर का क्लास क्या होता है इफेक्टिव होता है जैसे मान लीजिए आप ही के कॉलेज या स्कूल में देखते होंगे कि दो टीचर होगा दोनों एक समान सब्जेक्ट पढ़ाता होगा देखिएगा बच्चा एक ही टीचर को प्रेफर करता होगा कि हाँ ये सर हो मतलब अच्छा है समझे मतलब प्रभावी शिक्षण कराने के लिए आप में कुछ कला भी होना चाहिए आर्ट होना चाहिए कि बच्चा कैसे पढ़ाएंगे कि हमारा शिक्षण क्या हो प्रभावशाली प्रभावी हो तो इसका भी वीडियो आपको प्ले में मिल जाएगा देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया सेम वही क्वेश्चन है देखिए दो हज़ार अठारह में पूछा आपका सात नंबर क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन दो हज़ार अठारह में पूछले है और ईज वाला क्वेश्चन है प्रभावी अध्यापन वही से अध्यापन या शिक्षण बात बराबर है समझे खाली क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है समझे तो वही क्वेश्चन है कि प्रभावी अध्यापन या अध्यापन प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं एक प्रभावी अध्यापक की विशेषताओं का वर्णन करें तो इसका वीडियो प्ले में मिल जाएगा आप देख सकते हैं वहाँ से ठीक है देखिए इसमें एक आठवां नंबर क्वेश्चन दे दिए हैं कि ये भी क्वेश्चन दो हज़ार सोलह में पूछा हुआ समझे कि व्यवहारवादी मानवतावादी तथा रचनावादी परिप्रक्ष के अंतर्निहित मानताओं में तुलना करें लेकिन आप शिक्षण और प्रभावी शिक्षण दोनों पढ़ के जब जाएगा उसमें से फिक्स आपका एक रहेगा ही रहेगा समझे दो यूनिट दो क्वेश्चन देता है एक तो लिखना है तो एक याद कीजिएगा तो आपका काम जाए ये भी थोड़ा देख लीजिएगा इसका भी इंग्लिश लिखा हुआ आप देख सकते हैं आइए अब यूनिट फोर आते हैं देखिए यूनिट फोर में आप एक सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग है उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा पूछ देता है कि वो सूक्ष्म योजना क्या है तो उसको भी देख लीजिएगा इसमें क्वेश्चन हम नौ नंबर नौ दिए हुए हैं कि सीखने के हस्तांतरण से आपका क्या सॉरी सीखने के संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है आप अपने पाठ शिक्षण के लिए उचित सीखने के संसाधन का चुनाव कैसे करेंगे इसका इंग्लिश भी लिखा है कि वाट डू यू मीन बाई लर्निंग रिसोर्स मतलब आपका संसाधन क्या हो जाएगा मतलब जो दृश्य जो सब सामग्री होता है जो आपको अधिक मतलब सीखने की क्या करता है कि उसकी सहायता प्रदान करता है तो वही करा है कि सीखने के संसाधन में आपका क्या अभिप्राय है तो इसका भी वीडियो नहीं इसका भी वीडियो हम कोशिश करेंगे बना जैसे टीचर लर्निंग मटेरियल होता है ये सब चीज़ का कहाँ से आप रिसोर्स वही रिसोर्स हुआ हम लोग का समझे जो बुक हुआ ये सब मतलब जो अलग से साइड जो बुक होता है वही सब समझे इसमें वो क्वेश्चन दिए हुए हैं दस नंबर कि शिक्षा शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है अपने शब्दों में मतलब व्याख्या कर देखिए कह रहा है कि टीचिंग क्या है एक लर्निंग सॉरी टीचिंग एक प्ला प्लान एक्टिविटी है मतलब एक प्लान है जिसे, जिसे बनाते हैं जैसे जैसे पाठ योजना हम लोग बनाते हैं तो एक प्लान बनाते हैं कि बच्चा को कैसे पढ़ाना एक प्लान बना के जाते हैं तो वही कह रहा है कि शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है देखिए सेम वही क्वेश्चन टाइप का पूछा हुआ है ग्यारह नंबर में दिए हुए हैं ये कक्षा में शिक्षक योजना शिक्षक योजना बनाने के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखता है और क्यों देखिए सबका आंसर एक ही होगा सम्झे? मतलब एक नहीं मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन लिखने का तरीका सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है समझे मतलब यूनिट फोर में भी शिक्षण से है कि कैसे योजना बनाइएगा जो आप लोग पाठ योजना बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा तो वो चीज़ है कि कक्षा में शिक्षक योजना बनाएगा तो क्या क्या कैसा बना था टाइम लिमिट रखेगा ये सब ध्यान रखेगा तो इसका भी हम वीडियो सोचेंगे बना देते हैं क्योंकि तो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका है दो हज़ार सोलह या सत्रह में पूछा है कक्षा में शिक्षण योजना के बारे में समझे तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा तो ये तीन क्वेश्चन इसमें है कि सीखने के संसाधन और दूसरा है शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि पहले योजना बनाते हैं समझे कि उसकी डायरेक्ट कोई टीचर चल जाता है क्लास में पढ़ाना योजना बनाया जाता है कि आज बच्चों को ये चीज़ पढ़ाना है ऐसे पढ़ाना है तो शिक्षण विधि से पढ़ाना है समझे ये चीज़ और दूसरा है कि अच्छा बनाने क्या क्या मतलब ध्यान देगा मतलब योजना बनाएगा लेसन प्लान बनाएगा तो क्या क्या चीज देगा तो समझे इसमें आपके बार यूनिट प्लान पूछा था यूनिट प्लान नहीं पूछेगा इस पर समझे दो हजार बीस में पूछ चुका है तो आप कहीं तीन क्वेश्चन देख लीजिएगा इंग्लिश भी लिखा हुआ है आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा आइए अब लास्ट यूनिट देखिए लास्ट यूनिट में कंप्यूटर अनुदेशन है कि फिक्स आया आएगा उन्नीस में पूछा हुआ है इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग सी एम आई इसका वीडियो हम डाल देंगे नहीं डाले हुए हैं सी एम आई समझे सी एम आई क्या है एकदम पूछेगा ही पूछेगा समझे एक कैम उन्नीस में पूछा हुआ एकदम पूछेगा और नहीं तो आपका पाठ योजना तो फिक्स है दोनों में दो गो तो फिक्स रहता है पाठ योजना तो हर साल पूछता है समझे पाठ योजना क्या है तो आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बहुत अच्छा तरह से पाठ योजना को बताएगा पूरा देख लीजिएगा तो आपको जिंदगी में पाठ योजना से कभी दिक्कत ही नहीं होगा पूरा एकदम अच्छा से बताया गया है पाठ योजना के बारे में फॉर्मेट क्या होता है कैसे बनाते हैं कौन कौन चीज पद उसमें यूज होता है पद भी पूछ देता है पाठ योजना बनाने में किन किन पदों का उपयोग करते हैं सब चीज़ उसमें स्टेप दिया हुआ है एकदम पूरा वीडियो देख लीजिएगा प्ले में जाइएगा वहाँ सब मिल जाएगा आपको समझे तो ये आपका पाठ योजना पढ़िएगा तो आपको मेथड में भी काम देगा समझे मेथड में क्वेश्चन आता है कि अपने विषय से संबंधित एक पाठ योजना बनाए समझे जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा जो मेथड होगा आपका उससे रिलेटेड तो ये भी आप पाठ योजना पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आप टीचर में भी जॉब कीजिएगा तो वहाँ पाठ योजना पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ बनाने के लिए बोल देता और एक दे दिए इसमें अभिकर्मित अनुदेशन देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी आ सकता है समझे तो देख लीजिएगा व्हाट इज द कंसेप्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मतलब जो एक प्रोग्राम बनाया कोई भी पढ़ाया जाता है अभी कर्मित अनुदेशन के अवधान इसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको तो ये सब चीज़ आप कर लीजिएगा तो आपको यूनिट थ्री एकदम देखिए सबसे खतरनाक पेपर यूनिट थ्री ही माना जाता है मतलब कोर्स थ्री ही सबसे खतरनाक पेपर है आप नहीं है तो आप पढ़ते होंगे कॉलेज में तो पता चलता होगा लेकिन तो इसको आप थोड़ा योजनाबद्ध करके पढ़िएगा ना तो आपको बहुत आसान लग जाएगा समझे तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा समझे तो ये आप कर लीजिएगा तो आपका यूनिट थ्री हो गया आप यूनिट आप यूनिट फाइव भी हो जाएगा आपका तीन क्वेश्चन सी इसमें सी और पाठ योजना लेसन प्लान और एक देख लीजिएगा अभिकर्मित तो ये आपका कोर्स थ्री खत्म हो गया अब बच गया आपका कोर्स फोर फाइव और सिक्स इसका भी हम वीडियो बना देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद जितना भी आपका वी क्वेश्चन है उसका आंसर हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे जो आपका सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आप लोग अच्छा नंबर से पास करिए ठीक है तो आप लोग को जो वीडियो खोजना होगा तो प्ले में जाकर देख सकते हैं अंदर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर आनंदराज बी और जो सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट का नाम और प्ले लिखिएगा तो आपका वो प्ले आ जाएगा तो थैंक यू